आप सभी लोग को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब हम लोग यहाँ पे आए हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़े हमारी संस्था है, तो जो हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी बात करेंगे, तो हेल्थ और मेंटल हेल्थ इन्हीं दो चीज़ों पे ही डिस्कस करेंगे। और जैसे जैसे समय बदल रहा है और जैसे ये साल भी बोला जा रहा है, कई कारणों से मेंटल हेल्थ को बढ़ाने वाले जो प्रिडिक्शन है, एक तो महंगाई बहुत बड़ा कारण है, दूसरा जो डिफरेंट कंट्रीज़ में वार चल रही है उसका भी जो इम्पैक्ट आएगा वो बेरोज़गारी और इन सारी चीज़ों पे आएगा। तो मेंटल हेल्थ तो आने वाले समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जो इसका कॉज है ये साफ दिख भी रहा है और इम्पैक्ट कैसे हम लोग निकलते हैं ये चीज़ें। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग के लिए है कि हम जब खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे को स्वस्थ रख पाएंगे। तो हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो खुद की हेल्थ पर देना है। तो उसमें हमें कुछ अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। एक तो अपने हेल्थ को लेकर हम अवेयर हों, थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज को लेकर हम अवेयर हों। हम कुछ ना कर पाएँ तो कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, कमरे में बैठे बैठे, घर में या कहीं भी करें। हम जिम नहीं जा पा रहे, पार्क नहीं जा पा रहे, तो कुछ ना कुछ इस तरह से करें। दूसरा, सुबह के टाइम अपना रूटीन इस तरह से रखें कि बहुत आपाधापी ना हो, बहुत हड़बड़ाहट वाला ना हो, जितना काम एंड कूल हो सके उस सुबह के टाइम को उतना रखने की हम लोग कोशिश करें। तीसरी चीज़, खाने में अगर हम जाएं तो यथासंभव कोशिश करें कि हम लोग सिंपल फूड लें, जितना सिंपल खाना लें, जितना फाइबर लें, जितना कम नमक लें, वो बहुत अच्छा हम सबकी सेहत की दृष्टि से भी रहेगा। क्योंकि नॉर्मल डाइट जितना आज के समय में है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे और उसमें अगर हम काफ़ी हैवी फूड ले रहे हैं, तो वो फिर हमारे लिए डिफरेंट बीमारी का कारण पता चलता है। इसी ड्यूरेशन में अगर बाय चांस हमें कोई बीमारी पता चलती है, तो हमें उस पर नर्वस ना होके कि हमें बीमार हो गए और अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो ना करके हमें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह को मानना चाहिए। इस पिछले लगभग पाँच साल हो गए और हम लोग को हेल्थ के अवेयरनेस, हेल्थ की वैल्यू अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। पोस्ट कोविड तो हर तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि कितने हेल्थ की ज़रूरत है। खासकर एक व्यक्ति के हेल्थ से कम चार लोग जुड़े हुए हैं, उसके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उसके वाइफ जुड़ी हुई है, उसके बच्चे जुड़े हुए हैं, तो मिनिमम चार लोग तो जुड़े हैं। और कितना हो सकता है, अगर बिजनेसमैन है तो कितना बड़ा स्टाफ उससे जुड़ा हुआ है। तो हेल्थ को लेके ये अवेयरनेस हर समय होनी चाहिए। किसी तरह के आपस के आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा है हम डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जो सलाह दे उसको अच्छी तरह से माने। कई बार क्या हो रहा है, हम लोग अपनी घबराहट और अपनी हड़बड़ाहट और अपनी एंजाइटी की वजह से हम लोग सोशल मीडिया में चले जा रहे हैं, वहाँ पर कई इस तरह के हमें ऑडियो वीडियो या आर्टिकल्स मिल जाते हैं जहाँ लगता है कि हमारी ये बीमारी कुछ नहीं है, हवा हवाई है, जो डॉक्टर हमको समझाए वो कुछ है ही नहीं। मैं ये खाना छोड़ दूंगा और ये खाना शुरू कर दूंगा, मैं दिन में एक बार खाऊंगा, मैं सिर्फ नमक खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ फल खाऊंगा, मैं सिर्फ एक बार फल खाऊंगा। ये सारी चीज़ें कुछ दिन तो प्रैक्टिकली सही होती है, लेकिन एक आम आदमी की हम बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे अंकुर की ही वाइफ को एक प्रॉब्लम हुई, समय रहते इलाज हो गया, तो आज उतनी बड़ी समस्या से ये कितने आराम से निकल गया। अगर वो इसी चक्रों में फंसा होता कि नहीं आज यहाँ आज वहाँ, तो नेचुरल है कि जब आप 10 जगह पे जाएंगे और 8 जगह की सलाह को आप बाईपास करके गए हैं, तो नवे आदमी के पास जब जाएंगे तो फिर तो आपको मेडिसिन की ही सलाह देगा, भले वो कितनी सर्जिकल ज़रूरत हो उसकी, क्योंकि वो देख रहा है आपके माइंड सेट को। एक तो ये बात सच्चाई है, तो आपको कई बार ये भी देखना होगा कि आपको क्या पसंद है, डॉक्टर वो एडवाइस दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर का काम होता है जो डॉक्टर को क्या जरूर, मरीज को क्या ज़रूरी है वो बोलने का, ना कि आपके पसंद के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लिख के देने का। तो ये चीज़ जो है हमें खुद भी जाननी है, साथ साथ हमारे फैमिली के कोई मेम्बर जब इस तरह से कन्फ्यूज़न में चल रहे होते हैं तो हमें उनको अवेयर करना है कि नहीं, जो डॉक्टर हमें एडवाइस दे रहा है हम उसको फॉलो करें। मान लीजिए आप प्रोफेशनल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं या उसकी सलाह को बाईपास कर रहे हैं, तो लगभग 90% फैमिली में एक उनका फैमिली डॉक्टर होता है जिसके पास वो अक्सर आते जाते रहते, उसके जो डिसीजन है उसको फाइनल मान के फिर उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन लापरवाही बरतना बंद कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, अगर एक टारगेट रखे तो आज की एज में अभी बहुत टैलेंटेड का वो हो गया, तो एक टारगेट मिनिमम 35 के बाद हमें अपने हेल्थ चेकअप पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करा लेना चाहिए, खास करके कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स, जैसे चलते वक्त एकदम से सांस फूलने लगे, एकदम से सर भारी हो जाए, एकदम से सर घूम जाए, या एकदम से हम वीकनेस फील करने लगे, या सडन हम डेली अच्छे ढंग से काम कर रहे थे, एकदम से हमें काम करने की एनर्जी नहीं आ रही, एकदम से अच्छे खासे मौसम में हमें पसीना पसीना हो जा रहा है, तो ये सब जब छोटी छोटी घटनाएँ हो, या यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जा रही हो, या भूख ज़रूरत से ज़्यादा लगने लग रही हो, या भूख बिल्कुल ही कम लग रही हो, सडन हम मोटे होते चले जा रहे हैं, कुछ भी एबनॉर्मल जो चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारी ड्यूटी होती है कि हम अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें और वो जो हमें कहे उसको फॉलो करें। इस समय एक चीज़ को विशेष ध्यान रखना, जो हमें सोशल मीडिया में इतने सारे मिलते हैं, आप आदमी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके जो थंबनेल होते हैं उनमें जो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो देखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, और लोगों को यही लगता है कि 1 महीने में तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ये कर लीजिए और हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे, इस तरह के थंबनेल होते हैं। एक चीज़ विश्वास मानिए, कोई भी बीमारी जादू से ठीक नहीं होती, और प्राकृतिक इलाज से अगर बीमारियाँ सचमुच में ठीक हो रही होती तो आज भारत देश स्वस्थ देश होता। 1900 पहले से पहले इस देश में सिर्फ प्राकृतिक नेचुरल ट्रीटमेंट हुआ करते थे, लेकिन डिजीज़ तब भी होती थी, लोगों के तब भी देहांत होते थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख लें तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस का इतना अच्छा जीवन चक्र था, उनको भी कैंसर हुआ। तो डिजीज़ आपकी लाइफ स्टाइल पर ही डिपेंड नहीं करता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंटल प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है। एक आदमी की फैमिली में कहीं अस्थमा नहीं था, आज उसका घर हाईवे पे है, तो हो सकता है उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको अस्थमा हो सकता है। तो ये चीज़ कहना कि हमारे घर में किसी को कुछ नहीं था तो इसको भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पहले बहुत सारी फैमिलीज़ में डायबिटीज़ नहीं हुआ करती थी, आज डायबिटीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही। रीज़न ये है कि अब स्ट्रेस बढ़ रहा, का वर्कलोड बढ़ रहा, एंजाइटी बढ़ रही, एक्सरसाइज कम हो रहा, तो हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ को ट्रीट करना है, मरीजों का ध्यान रखना है, तो हमें खुद को स्ट्रांग रखना है। इसलिए हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी है, हर समय अपने अंदर हमें ये कॉन्फिडेंस रखना है कि सब ठीक है, और ये तभी संभव है जब हमारा पूरा बॉडी सही ढंग से काम कर रहा हो। तो किसी भी तरह का कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम साइन हमें फील होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसकी सलाह को मानना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। सर ने जैसा बड़ी अच्छी बात की कि कभी बीमारी हो तो जाके दिखाएं, या फिर खुद से अपना इलाज या खुद से अपनी डायग्नोसिस नहीं बनानी है। एक बड़ा कॉमन प्रश्न, जैसे हम लोग भी जब नया नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया था या स्टूडेंट थे, कि हम कब माने कि हम बीमार हैं या हमें किसी को दिखाना चाहिए। साइकेट्रिक एस्पेक्ट में मैं बात करूं या मनोरोग में बात करूंगा, तो बड़ा कॉमन सा फंडा है जो मैं यूज़ करता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके बर्ताव से या आपके बिहेवियर जो कि अभी कुछ समय में बदला है, उससे या तो आपको या आपके परिवार वालों को या आसपास के लोगों को महसूस हो रहा है कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, इन तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं महसूस हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो साइकेट्रिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन तीनों में से यदि आपको खुद ही लग रहा है कि मेरे को इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, या आपके घर वालों को लग रहा है, या आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके साथ के काम करने वालों को लग रहा है कि आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो फिर ऐसे कंडीशन में जाके अपना इवैल्यूएशन आपको कराना चाहिए। साइकेट्री में दूसरी बात यह है कि जितना जल्दी हम इलाज के लिए आ जाते हैं उतनी चीज़ें कम कॉम्प्लेक्स होती हैं, बर्ताव चेंज करना आसान हो जाता है, दवाइयों की कम ज़रूरत पड़ती है यदि ज़रूरत पड़ती भी है तो, और जितना हम बात की तरफ जाते रहते हैं उतना कॉम्प्लेक्स होता रहता है चीज़ें, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, आपके रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मान लीजिए कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो उसका पति या पत्नी के बीच के रिलेशनशिप फिर कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाते हैं, और
एक तरफ जहां पे उसको डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, वहां पे अपने रिलेशनशिप इश्यूज के साथ भी उसको जूझना शुरू करना पड़ता है, तो कॉम्प्लेक्सिटीज लाइफ में बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया और इन सब में काफी फ्री का ज्ञान उपलब्ध है। दिक्कत यह है कि सही राह पे आप जाके उस ज्ञान को लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार हम क्या है, कहीं से कुछ उठाया कहीं से कुछ उठाया और दोनों को क्लब इन कर दिया और हमने उसको एक ब्लाइंड फॉलो करना शुरू कर दिया। जो चीज़ किसी दूसरे के लिए काम की है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे लिए भी काम करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, हो सकता है दूसरे के लिए काम किया हो मेरे लिए काम ना करें। डाइटरी मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज यूजुअली हर जगह काम करती है, लेकिन जब आप सीवियर डिप्रेशन में होते हो तब बेड से उठना ही एक बहुत दिक्कत होता है, उसमें एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। सो इश्यूज और चैलेंजेस बहुत सारे रहते हैं मेंटल इलनेस के साथ में, तो हमेशा किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाए, वो आपकी कंडीशन देखते हुए आपको रेमेडी सजेस्ट करेगा या टेक्निक सजेस्ट करेगा। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपको सुधार होगा और उतनी अच्छी तरह आप बाउंस बैक करेंगे लाइफ के लिए। थैंक यू। आज 9 वर्ष के अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार फिर से 9 वर्ष की बधाई देता हूं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो मेंटल इलनेस है या मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको हम पहचाने कैसे। हमारे समाज में जो आज की डेट में कमी है वो अवेयरनेस की कमी है। हम पहचान ही नहीं पाते कि हमें मेंटल इलनेस है या हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि केवल एक चीज़ से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें अगर मेडिसिन की आवश्यकता है तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, काउंसलिंग की आवश्यकता है तो काउंसलिंग से काम चलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ इश्यूज हैं। और कई बार क्या होता है, जो जिसको मेंटल इलनेस होती है उसको नहीं समझ में आता है तो उसके फैमिली के लोगों को तो समझ में आता है, या बच्चे हैं स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर उनके बिहेवियर के आकलन से लोगों को समझ में आता है कि इनके साथ कुछ इश्यूज इस तरीके के हैं। तो जब भी ऐसा हो तो जिसको भी समझ आता है उसको कम से कम उसको ऐसी जगह पर, ऐसे सेंटर पर, ऐसे काउंसलिंग सेंटर पर ज़रूर ले जाना चाहिए जिससे उसकी जो इश्यूज हैं वो प्राइमरी लेवल पर ही ठीक होने लग जाए। ऐसा ना हो कि बाद में उसको मेडिसिन पर रहना पड़े या बहुत ज़्यादा टाइम उसको अपने काम से विरत रहना पड़े। तो अगर शुरुआत में ही ये चीज़ें पता चलती हैं तो अगर उसको इश्यूज काउंसलिंग से सॉल्व हो रहा तो काउंसलिंग करें, अगर मेडिसिन के लेवल पे आ गए तो मेडिसिन का भी उपयोग करें। लेकिन जैसा कि अभी एनवायरनमेंट में देखने में आ रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, ये ज़रूर है कि अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा या सेंटर पे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये इश्यूज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं और उसके 2-3 कारण भी हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर कहीं पे भी वार होता है ऐसा नहीं कि उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता, पूरे विश्व पर उसका असर पड़ता है। क्लाइमेट का असर है, आप देखिए पूरे विश्व पर पड़ता है। तो समुद्र में कोई भी हलचल होती है पूरे विश्व पे पड़ती है, ऐसा नहीं कि इतनी दूर है तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं आता। अभी आपने लेटेस्ट में ही देखा होगा कि जो ठंड पड़ रही है बीच में एकदम से ठंड पड़ रही है, एकदम से ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या हुआ, कारण समुद्र में ऐसा हो गया, तो उसके कारण वहाँ यहाँ पर भी उसके इशूज़ आ रहे हैं। तो आजकल जैसे बहुत से लोग ये नहीं मानते कि कुछ ग्रह नक्षत्र भी होते हैं या कुछ एनवायरमेंट की वजह से भी चीज़ें होती हैं, तो फ़र्क हर चीज़ का पड़ता है, हमारे शरीर पर हर चीज़ का असर पड़ता है। उसी तरह से आज की डेट में जो हम लोग उन मान्यताओं को नहीं मान रहे हैं जो हमारे साथ पुराने लोगों ने जोड़ी थी, उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये क्यों करना है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि ये आपको ज़रूर करना है, उन्होंने कस्टम से उसको जोड़ रखा था। आज की डेट में हमें लगता है क्योंकि हमें उसके बिहाइंड द रीज़न पता नहीं है कि क्यों ऐसा किया गया, इस वजह से हम उन मान्यताओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और यही कारण है, सबसे ज़्यादा यही कारण है कि आजकल मेंटल हेल्थ पे काम करना ज़रूरी है क्योंकि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। पहले देखिए होता था कि आप देखिए कि जहाँ पर भी आप गांव घर या जहाँ भी रहे होंगे, पुराने समय में देखिए कि सत्यनारायण की कथा एक आम धारणा होती थी, सभी के यहाँ नॉर्मली होती थी, अगर पंडित को नहीं बुलाया तो घर पर भी लोग कर लेते थे। कुछ ऐसे महीने हमारे यहाँ होते हैं जहाँ रामायण का पाठ होता ही होता था,
पूरे गांव के लोग या शहर के लोग मिल करके कहीं ना कहीं ऐसा गीता पाठ या इस तरीके की चीज़ें करवाते थे। लेकिन ये चीज़ें जब शुरू होती थी तो उसमें क्या होता था, हमारे घर परिवार का पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता था, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें लगता था। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग डोनेशन तो दे देते हैं, अगर काम कराना है तो आप डोनेशन मांगिए, डोनेशन दे देंगे, लेकिन उसमें एक्टिव पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है ना। उनको ये लगता है कि हमने डोनेशन दे दिया, हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, डोनेशन से आपका काम पूरा नहीं हो रहा। डोनेशन तो एक माध्यम है जुड़ने का। वो आपको जोड़ने आया है कि जब आप डोनेशन देंगे तो आप साथ में उसमें एक्टिव पार्ट भी लेंगे। जब तक आप खुद पार्ट नहीं लेंगे तो आपके घर परिवार में वो संस्कार कैसे पहुँचेंगे। जब आपके बच्चों ने ही वो संस्कार नहीं देखे तो वो कैसे फॉलो करेंगे। आज आपके घरों में दिक्कत क्या है कि बच्चे 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं। अगर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं तो इसमें गलती उनकी है या हमारी है? संस्कार तो हम ही ने नहीं दिए, क्योंकि हम खुद 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, हम उनको क्या रोकेंगे। आज वो सोशल मीडिया पे हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी वो आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली हो गई। अब जब न्यूक्लियर फैमिली है तो क्या होगा, उसको भी तो किसी का साथ चाहिए, कहीं टाइम स्पेंड करने के लिए चाहिए, वो कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया पर जाएगा। अब सोशल मीडिया पर जो मिलेगा वही तो ऑब्जर्व करेगा। आज की डेट में आप देखिए होता क्या है कि अगर हम सोशल मीडिया के एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया में कोई भी चीज़ आपने एक बार सर्च करी, उसके बाद क्या होगा, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आप इसको अपने पुराने परिवेश से जोड़ दीजिए। लोग कहते हैं कि साधना करने से कुछ नहीं होता, मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, घर में आरती करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, नहीं होता तो सोशल मीडिया में कैसे हो रहा है? हो रहा ना। अगर आप घर में आरती कर रहे हैं तो संस्कार तो आपके घर में आ रहा ना। अच्छा, आप पूजा पाठ करना शुरू करिए तो मोहल्ले के लोग आपको कैसा समझेंगे? बहुत ही धार्मिक समझेंगे ना। यानी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हम उसको समझना ही नहीं चाहते हैं, मानना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम खुद को चेंज करना शुरू करें, हमारे आसपास का एनवायरमेंट ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये केवल जो चीज़ें मैं बताई गई हैं, ये प्रतीकात्मक बताई गई हैं, हमारे ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए बताई गई हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को इससे जोड़ते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, इससे क्या होता, शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता, जल चढ़ाने से क्या होता, सुबह उठने से क्या फ़र्क पड़ जाता, हम तो दोपहर में भी बैठ के पढ़ लेते हैं, हम तो रात में पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा समझ आता, दिन में हमें समझ ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका कारण ये है कि आपने अपनी दिनचर्या को इस तरीके से अव्यवस्थित कर रखा है। अगर आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे सो करके उठेंगे तो रात में ही तो आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि आपको तो 12 बजे तक सोने की आदत है, तो 2 बजे तक तो नींद नहीं आनी आपको। तो जो हमने अव्यवस्थित चक्र इस्तेमाल किया है वो क्या फ़र्क डाल रहा है कि जो एनवायरनमेंट, जो हमें दिन और रात का चक्र है वो हमारा क्या होता है, हमारी बायोलॉजिकल जो घड़ी है वही बिगड़ जाती है और सारी डिमांड हमारी उसी हिसाब से होनी हो जाती है। अब आप देखिए कि आजकल हम कह रहे हैं कि हमारे अंदर मोटापा बढ़ रहा है। अब मोटापा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि रात में आप ज़्यादा खाएंगे, दिन में कम खाएंगे, उसके बाद आप सोएंगे। खैर, डॉक्टर साहब ने और इन्होंने इतना अच्छा इसके बारे में बता दिया है कि मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब मैं एक छोटी सी बात डिप्रेशन के मामले में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन सभी को है, छोटा हो, छोटा सा बच्चा है उसको भी डिप्रेशन है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी डिप्रेशन है। पहले हम देखते थे डिप्रेशन उसको आता था जो अपनी लाइफ में या करियर में कुछ नहीं कर पा रहा है। बचपन में किसी को डिप्रेशन नहीं आता था और वृद्धावस्था में किसी को डिप्रेशन नहीं आता था, केवल डिप्रेशन उस टाइम पर लोगों को होता था। लेकिन आज छोटे से बड़े तक को डिप्रेशन है। उसका कारण यह है कि जब हमने बच्चों को जूझना नहीं सिखाया, हमने बच्चों को चलना नहीं सिखाया, लेकिन हम बच्चे से अपेक्षा ये जरूर करते हैं कि जब दौड़ हो तो हमारा ही बच्चा सबसे फर्स्ट आए। हमने कभी उसको सुबह उठ के दौड़ाया नहीं, प्रैक्टिस नहीं करवाई, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि वो फर्स्ट सबसे आए। कैसे आएगा भाई,
और जब आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो कहाँ जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा, और उसके बाद आप डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि आपकी अपेक्षा थी कि वो फर्स्ट आना चाहिए, वो फर्स्ट नहीं आ रहा तो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, और वो नहीं आ पाया, उसके ऊपर प्रेशर इतना था इसलिए वो डिप्रेशन में आ रहा। यानी हमारे आज के परिवेश में अगर हम देखें तो हम प्रॉब्लम तो बहुत दे रहे हैं लेकिन सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं दे रहे हैं। टॉप तो हम आना चाहते हैं लेकिन प्रिपरेशन नहीं करना चाहते, ठीक तो हम होना चाहते हैं लेकिन मेडिसिन नहीं लेना चाहते, हम अपनी किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं करना चाहते, हमारी जो इच्छा है वो हम खाएंगे, डॉक्टर साहब का काम ये है कि वो कैसे ठीक करना वो ये जाने, हमने इनको फीस दे दी, इनका काम है ठीक करके दें मुझे, इनका काम ही क्या है। क्योंकि सोच हमारी आज इस परिवेश में चली गई है, आज हम पैसा दे के सामने वाले को खरीदते हैं, उसको सम्मानी ढंग से नहीं देखते। पहले क्या था कि हम उसको सम्मान देते थे और उस सम्मान के बदले वो आपको अच्छे से अच्छा इलाज देता था, टीचर अच्छे से अच्छा पढ़ाता था। आज टीचर क्या है कि आपने पैसा दिया स्कूल फीस के बाद उसका काम ख़त्म, उसने अपना जो घंटे का टाइम है अपना पढ़ाया आपको, आपसे उसका कोई रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। पहले क्या था, रिलेशन डेवलप होता था, गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु का ये काम था कि उसको सर्वश्रेष्ठ दे और बच्चे का ये काम था कि वो गुरु से सर्वश्रेष्ठ ले। लेकिन आजकल सब कुछ पैसे से है, माँ बाप को भी लगता मेरे पास इतना पैसा है स्कूल टीचर नहीं पढ़ा रहा, ठीक छोड़ो ट्यूशन पे ले लेते हैं, ये नहीं ठीक पढ़ा रहा इसको हटाइए दूसरे को ले लेते हैं। लेकिन जो उसकी कमी है उसको हम दूर नहीं करते, हम केवल पैसे से चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये जो कारण है ये हमेशा डिप्रेशन देंगे, क्योंकि हम ये हमेशा सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद मैंने टॉप क्लास का ट्यूशन लगाया हुआ, फिर बच्चे की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। उस रीजन को हम नहीं खोजते, उस टीचर से पूछते हैं कि मैंने तो आपको पूरा पे किया, मेरा बच्चा का परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया। तो जब तक हमारी सोच खुद नहीं चेंज होगी तो हम खुद तो डिप्रेशन में जाएंगे ही, अपने बच्चों के और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी डिप्रेशन में ले जाएंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे हमें देख के दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। अब बात आती है डिप्रेशन में जाने के बजाय अगर हम चीज़ों को करना सोचें, जैसे कि अब हम एक पात्र है हमारा महाभारत में, हम लोग कृष्ण के बारे में बहुत जानते हैं, अर्जुन के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन एक पात्र वहाँ पर एकलव्य भी है। एकलव्य के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमारी बहुत थोड़ी सी होती है कि वो बहुत अच्छा धनुर्वेद था, बहुत अच्छा धनुर्विद्या जानता था, और आचार्य द्रोणाचार्य जी ने उससे अंगूठा दान में मांग लिया। इसके आगे शायद लोगों को नहीं पता कि उसके बाद फिर एकलव्य का क्या हुआ और एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई। देखिए जब भी हम कोई चीज़ जाने तो उसको जब तक डीप में नहीं जाएंगे हमें उसके पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। देखिए एकलव्य ने क्या किया, जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया तो द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया, उसके पास पर्याप्त कारण था डिप्रेशन में जाने का। क्यों? क्योंकि उसका केवल और केवल एक दृष्टिकोण था कि मुझे धनुर्विद्या प्राप्त करनी है और मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। अब उस समय सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोण थे, उनसे अच्छा उस टाइम पे कोई गुरु नहीं था जिससे वो शिक्षा ले पाता। तो अब अगर उन्होंने उसको मना कर दिया तो उसके पास डिप्रेशन पे जाने का पूरा कारण है या नहीं? आज हम स्कूल देखते हैं, टीचर देखते हैं और तमाम तरह के डॉक्टर्स में डॉक्टर्स को देखते हैं, कौन टॉप क्लास का है, उसका टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर उस दृष्टिकोण से देखें तो उसके पास डिप्रेशन में जाने का पूरा कारण था। उसने क्या किया, आचार्य द्रोण की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। अभ्यास करते करते वो इस लेवल पे पहुंचा कि आचार्य द्रोण ने ये जब देखा, जब उनके शिविर में एक कुत्ता था जो वहाँ पे जाके एकलव्य के आश्रम में पहुँचा और भौंक रहा था, तो उसने तीरों से उसका मुँह बंद कर दिया। अब जब तीरों से मुंह बंद कर दिया तो देखिए मुंह बंद करने के साथ साथ उसके मुंह में कोई भी क्षति नहीं पहुंची, यानी कहीं पर भी उसके चोट नहीं आई, लेकिन मुंह उसका बंद हो गया। यानी जिसने भी बाण चलाया उसकी कंट्रोलिंग देखिए कि उसने उसको आहत नहीं किया, केवल जिससे उसको दिक्कत थी उतनी चीज़ उसने रोक दी। यानी उसको उसके भौंकने से उसके अभ्यास में खलल पड़ रहा था तो उसने क्या किया, केवल उसके मुँह को रोक दिया कि वो आवाज़ ना निकाल पाए।
जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने देखा कि ऐसा कैसे संभव, इतना अच्छा धनुर्विद्या वाला कौन व्यक्ति है, जब पता चला कि एकलव्य ने ऐसा किया है, तो एकलव्य को उन्होंने देखा कि, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पहले ही से मान लिया था कि अर्जुन को मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना है, तो वो तो आड़े आ रहा है। उन्होंने उससे क्या किया, अंगूठा दान में मांग लिया, और उस दिन के बाद से एकलव्य धनुष चलाने में अक्षम हो गया। हम लोग यहीं तक जानते हैं, यानी अक्षम होने के बाद अब देखिए उसके डिप्रेशन में जाने का दूसरा कारण आ गया। जो उसने सोचा था वो पहले नहीं मिला, अब अगर अब दूसरे दृष्टिकोण पे आए तो अब वो कभी धनुष नहीं चला पाएगा। इस कारण भी जा सकता है कि पहले तो उन्होंने शिक्षा नहीं दी, अब शिक्षा दी तो गुरुदक्षिणा में वही ले लिया जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहत थी। इसके बाद फिर उसने उनको कोई दोष नहीं दिया, उसने सहर्ष अंगूठा अपना दान कर दिया, धनुर्विद्या से वो विपन्न हो गया। लेकिन इसके बाद एकलव्य ने क्या किया, क्योंकि अंगूठे के बाद धनुष नहीं चलाया जा सकता, लेकिन एकलव्य वहाँ भी डिप्रेशन में नहीं गया। उसने क्या किया, उसने अपनी ये दो उंगलियों से, क्योंकि यहाँ अंगूठे की जरूरत पड़ती, यहाँ अंगूठे न करके इन दो उंगलियों से, लेकिन आप देखिए अंगूठे से ही ताकत लगी, इन दो उंगलियों से ताकत नहीं लगती, लेकिन उसने प्रैक्टिस शुरू की इन दो उंगलियों से, और इन दो उंगलियों से भी उसने इतना अच्छा धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया कि उसके बाद भी किसी के लिए एकलव्य को मारना संभव नहीं था। अब सोचने वाली बात यह है कि केवल इतना अगर हम सोचें कि हाँ उसने ऐसा कर लिया, लेकिन इतना करने के पीछे कितनी बार उसको डिप्रेशन आया होगा ये सोचिए, क्योंकि जब इससे प्रैक्टिस करेगा तो क्या पहले दिन से धनुष चलने लग जाएगा, महीनों तो उससे तीर वहाँ से धनुष से आगे नहीं बढ़ा होगा, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गया। धीरे धीरे करके उसने इतनी शक्ति अपनी दोनों उंगलियों में प्राप्त की कि वो धनुर्विद्या में फिर पारंगत हो गया। और आपको अगर पता हो कि धनुर्विद्या में पारंगत होने के बाद उसका युद्ध कहाँ से हुआ था, वहाँ का जिस देश में रहता था उस देश का जब राजा खत्म हुआ, उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद इसको राजा बनाया गया, इसने अपने देश का विस्तार किया, और देश का विस्तार करते करते इसका युद्ध हुआ मथुरा से, और मथुरा से युद्ध में पूरी उनकी सेना जो है वो परास्त हो गई थी एकलव्य से। तो इससे ये समझ में आता है कि आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। उसने इतनी शक्ति उसके बाद भी प्राप्त की, यानी वो कहीं भी डिप्रेशन में नहीं गया, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि उसने क्या किया, इतना अच्छा प्राप्त किया, जो उसका रिजल्ट हमें दिख रहा उससे लग रहा है वो कभी डिप्रेशन में नहीं गया होगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो बहुत बार डिप्रेशन में गया होगा और बार बार उठ के वो खड़ा हुआ है, क्योंकि डिप्रेशन में तो सभी जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के बाद उनका खड़ा होना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद उसका अंतिम युद्ध जो हुआ वो भगवान कृष्ण से हुआ है, और भगवान कृष्ण के हाथों वो मारा गया। तो हमें हमेशा ये चीज़ें पढ़नी चाहिए इस तरीके की, और ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन में जाना कोई बड़ी बात नहीं, आदमी जब जो कुछ भी चाहता, क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं कि बार बार बहुत सारी चीज़ें हम ना चाहते हुए हमारे सामने आती हैं, और हमें लगता है कि ये तो मुझे भी कर लेना चाहिए था, या ये हमारे बच्चों को कर लेना चाहिए था, या ये हमारे रिश्तेदारों को करना चाहिए था, या ये हमारे पड़ोसियों को कर लेना चाहिए था। तो जब भी हमें लगता है कि दूसरों को कर लेना चाहिए तो हमारे अंदर डिप्रेशन आने लगता है। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद तुरंत आप अगर ऐसी चीज़ों के सानिध्य में हैं, ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमें दोबारा से कैसे खड़ा होना है, और दोबारा जब आए तो उससे ज़्यादा ताकत लेकर के आए। तो ऐसे चरित्र हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जिससे हम इस एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ मैंने समय ले लिया है, इसी के साथ सभी को धन्यवाद और नौ वर्ष की एक बार फिर से बधाई। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। डॉक्टर साहब ने और पांडे जी ने सब कुछ तो बता ही दिया है,
बस हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पायस्वी जन जिस मिशन को लेकर के चला है कि ये मानसिक रोग से संबंधित उस दिशा में और आगे बढ़ता रहे, और जो जो लोग परेशान हैं सबकी परेशानियां दूर करता रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।